करना चाहते थे? मैडम मुझे कितना भी इंतजार करना पड़े अगले जन्म में मैं लड़की ही बनूंगा। अरे कौन हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए दोस्तों लेकर हाजिर हुए हैं आज के इस वीडियो में गीता गोविंदम मूवी के। आज हम बारे में हिंदी में रिव्यू करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे कहां से देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंचे। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को नजर आएगी। फिल्म गीता गोविंदम एक 2018 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म GA2 पिक्चर्स 2 के तहत बनी और इस फिल्म का निर्मित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदना जबकि सुब्बा राजू और राहुल रामकृष्णा और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते हैं। 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और जिसने बात करें दोस्तों इस फिल्म की बजट बनाने में 5 करोड़ की मात्रा बजट बनी थी। 5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म गीता गोविंदम मूवी ने अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई यानी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 132 करोड़ के साथ अपनी कमाई की थी। हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह एक पकड़ी गई है और पकड़ी हुई कहानी, लेकिन फिल्म को इसके निर्देशक प्रदर्शन और उत्पादन मूल्य की प्रशंसा मिली थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को आपको नजर आएगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएगी कि फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आई है। फिल्म की संगीत के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में संगीत दिया है गोपी सुंदर ने और इस फिल्म का उत्पादक कंपनी GA2 पिक्चर्स द्वारा इसे बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर परशुराम ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को नजर आएगी। सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने विजय देवरकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता फिल्म और जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। वो एक फिल्मफेयर पुरस्कार, एक नदी पुरस्कार और एक सिम्मा पुरस्कार के प्राप्त करता है। 2018 से उन्होंने अपनी आय और लोकप्रियता के कारण फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में जगह बनाई है। देवरकोंडा ने नुविल्ला 2011 के साथ अपनी शुरुआत की और येवडे सुब्रमण्यम 2015 उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पोली चोपुल्लू 2016 में, अर्जुन रेड्डी 2017 में और उनके साथ खुद को एक प्रमुख और फिल्म अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। महांती 2018, गीता गोविंदम 2018 और टैक्सी वाला 2018 में अभिनय करके और सफलता प्राप्त की थी। देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और देवरकोंडा ने किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोडक्शन कदम रखा जिसने विशेष रूप से
मिकु मत्थर रामचेप्था 2019 और पुष्पा विमानम 2021 का समर्थन किया था। अपने फिल्मी करियर से परे देवरकोंडा ने कई उत्पादनों का समर्थन किया और अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी और वेयर डिजाइन किया था। बात कर ले दोस्तों, यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा ने रवि बाबू द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नुविल्ला 2011 में अपनी शुरुआत की थी। और दोस्तों, बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों जैसे तमिल भाषा की फिल्मों में भी काम करती है। इनकी सुपरस्टार अभिनेत्री 2016 में रश्मिका मंदाना ने क्रिक पार्टी में अभिनय की शुरुआत की थी, जो कि कन्नड़ में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी। और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने कई समीक्षकों से प्रशंसा मिली थी, उन्होंने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिम्मा पुरस्कार जीता था। 2017 में रश्मिका मंदाना ने दो कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी थी। फिल्म चमक में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ के फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम फिल्म में दिखाई दी थी, जो कि बेतहा सफल रही थी। 2020 में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने तेलुगु फिल्म सहरी लरु नेकी वरु के साथ महेश बाबू के साथ अभिनय किया था, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। उसी बस वह एक फिल्म भीषम में भी दिखाई दिए, जो कि 2021 में वो फिल्म रिलीज हुई थी। और उसके बाद फिल्म पोगुरु के साथ थी और बाद में सुल्तान में कार्तिक के साथ, पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन के साथ अभिनीति 2022 में रश्मिका मंदाना ने अदा वलु मेकी जहरुलु में अभिनय किया था। दोस्तों, बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म की रिलीज 15 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था, जो कि इस फिल्म का रिलीज तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ था। और इस फिल्म का रनर टाइम 142 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म गीता गोविंदम मूवी 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई और यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है, जिसने ₹5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म 132 करोड़ के कमाई के साथ किया है। और हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह फिल्म परखी गई है और परखी हुई कहानी है। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म गीता गोविंदम एक 2018 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म GA2 पिक्चर्स 2 के तहत बनी और इस फिल्म का निर्मित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, जबकि सुब्बा राजू और राहुल रामकृष्णा और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते हैं। 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। और जिसने बात करें दोस्तों, इस फिल्म की बजट बनाने में 5 करोड़ की मात्रा बजट पर बनी थी। 5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म गीता गोविंदम मूवी ने अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई, यानी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 132 करोड़ के साथ अपनी कमाई की थी। हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह एक पकड़ी गई है और परखी हुई कहानी, लेकिन फिल्म को इसके निर्देशक प्रदर्शन और उत्पादन मूल्य की प्रशंसा मिली थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को आपको नजर आएगी। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाई थी कि फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आई है। फिल्म की संगीत के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस फिल्म में संगीत दिया है गोपी सुंदर ने और इस फिल्म का उत्पादक कंपनी GA2 पिक्चर्स द्वारा इसे बनाई गई थी।
फिल्म का डायरेक्टर परशुराम ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने विजय देवरकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता निर्माता फिल्म और जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। वो एक फिल्मफेयर पुरस्कार, एक नदी पुरस्कार और एक सीमा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। 2018 से उन्होंने अपनी आय और लोकप्रियता के कारण फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी सही की सूची में जगह बनाई है। देवरकोंडा ने नुविल्ला 2011 के साथ अपनी शुरुआत की और येवडे सुब्रमण्यम 2015 उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पोली चोपुल्लू 2016 में, अर्जुन रेड्डी 2017 में और उनके साथ खुद को एक प्रमुख और फिल्म अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। महांती 2018, गीता गोविंदन 2018 और टैक्सी वाला 2018 में अभिनय करके और सफलता प्राप्त की थी। देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और देवरकोंडा ने किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोडक्शन कदम रखा, जिसने विशेष रूप से मिकू मत्थर रामचप्था 2019 और पुष्पा विमानम 2021 का समर्थन किया था। अपने फिल्मी करियर से परे देवरकोंडा ने कई उत्पादनों का समर्थन किया और अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी और वेयर डिजाइन किया था। बात कर ले दोस्तों, यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा ने रवि बाबू द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नुविल्ला 2011 में अपनी शुरुआत की थी। और दोस्तों, बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों जैसे तमिल भाषा की फिल्मों में भी काम करती है। इनकी सुपरस्टार अभिनेत्री 2016 में रश्मिका मंदाना ने क्रिक पार्टी में अभिनय की शुरुआत की थी, जो कि कन्नड़ में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी। और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने कई समीक्षकों से प्रशंसा मिली थी जिन्होंने उन्होंने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सीमा पुरस्कार जीता था। 2017 में रश्मिका मंदाना ने दो कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी थी। फिल्म चमक में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ के फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम फिल्म में दिखाई दी थी, जो कि बेतहा सफल रही थी। 2020 में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने तेलुगु फिल्म सारे लरु नेकी वरु के साथ महेश बाबू के साथ अभिनय किया था, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। उसी वर्ष वह एक फिल्म भीषम में भी दिखाई दिए, जो कि 2021 में वो फिल्म रिलीज हुई थी और उसके बाद फिल्म पोगुरु के साथ थी और बाद में सुल्तान में कार्तिक के साथ पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन के साथ अभिनीति 2022 में रश्मिका मंदाना ने अदा वलू मेकी जहरुल्लू में अभिनय किया था। दोस्तों, बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म की रिलीज 15 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था, जो कि इस फिल्म का रिलीज तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ था और इस फिल्म का रनर टाइम 142 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म गीता गोविंदम मूवी 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई और यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है, जिसने ₹5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म 132 करोड़ के कमाई के साथ किया है। और हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह फिल्म परखी गई है और परखी हुई कहानी। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए दोस्तों लेकर हाजिर हुए हैं आज के इस वीडियो में गीता गोविंदम मूवी के। आज हम बारे में हिंदी में रिव्यू करेंगे
और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे कहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंचे। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को नजर आएगी। फिल्म गीता गोविंदम एक 2018 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म GA2 पिक्चर्स 2 के तहत बनी और इस फिल्म का निर्मित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदना जबकि सुब्बा राजू और राहुल रामकृष्णा और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते हैं। 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और जिसने बात करें दोस्तों इस फिल्म की बजट बनाने में 5 करोड़ की मात्रा बजट पर बनी थी। 5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म गीता गोविंदम मूवी ने अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई यानी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 132 करोड़ के साथ अपनी कमाई की थी। हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह एक पकड़ी गई है और पकड़ी हुई कहानी, लेकिन फिल्म को इसके निर्देशक प्रदर्शन और उत्पादन मूल्य की प्रशंसा मिली थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को आपको नजर आएगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाई थी कि फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आई है। फिल्म की संगीत के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में संगीत दिया है गोपी सुंदर ने और इस फिल्म का उत्पादक कंपनी GA2 पिक्चर्स द्वारा इसे बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर परशुराम ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को नजर आएगी। सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने विजय देवरकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता फिल्म और जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। वो एक फिल्मफेयर पुरस्कार, एक नदी पुरस्कार और एक सीमा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। 2018 से उन्होंने अपनी आय और लोकप्रियता के कारण फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी सही की सूची में जगह बनाई है। देवरकोंडा ने नुविल्ला 2011 के साथ अपनी शुरुआत की और येवडे सुब्रमण्यम 2015 उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पोली चोपुल्लू 2016 में, अर्जुन रेड्डी 2017 में और उनके साथ खुद को एक प्रमुख और फिल्म अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। महांती 2018, गीता गोविंदम 2018 और टैक्सी वाला 2018 में अभिनय करके और सफलता प्राप्त की थी। देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और देवरकोंडा ने किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोडक्शन कदम रखा जिसने विशेष रूप से मिकू मत्थर रामचप्था 2019 और पुष्पा विमानम 2021 का समर्थन किया था। अपने फिल्मी करियर से परे देवरकोंडा ने कई उत्पादनों का समर्थन किया और अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी और वेयर डिजाइन किया था। बात कर ले दोस्तों यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा ने रवि बाबू द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नुविल्ला 2011 में अपनी शुरुआत की थी। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को नजर आएगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों जैसे तमिल भाषा की फिल्मों में भी काम करती है।
इनकी सुपरस्टार अभिनेत्री 2016 में रश्मिका मंदाना ने क्रिक पार्टी में अभिनय की शुरुआत की थी, जो कि कन्नड़ में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी। और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने कई समीक्षकों से प्रशंसा मिली थी, जिन्होंने उन्होंने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिम्मा पुरस्कार जीता था। 2017 में रश्मिका मंदाना ने दो कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी थी। फिल्म चमक में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ के फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम फिल्म में दिखाई दी थी, जो कि बेतहा सफल रही थी। 2020 में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने तेलुगु फिल्म सारे लरु नेकी वरु के साथ महेश बाबू के साथ अभिनय किया था, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। उसी बस वह एक फिल्म भीषम में भी दिखाई दिए, जो कि 2021 में वो फिल्म रिलीज हुई थी, और उसके बाद फिल्म पोगुरु के साथ थी, और बाद में सुल्तान में कार्तिक के साथ पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन के साथ अभिनीति 2022 में रश्मिका मंदाना ने अदा वलू मेकी जहरुल्लू में अभिनय किया था। दोस्तों, बात कर ले फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म की रिलीज 15 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था, जो कि इस फिल्म का रिलीज तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ था, और इस फिल्म का रनर टाइम 142 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म गीता गोविंदम मूवी 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई, और यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है, जिसने ₹5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म 132 करोड़ के कमाई के साथ किया है। और हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह फिल्म परखी गई है और परखी हुई कहानी है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए दोस्तों लेकर हाजिर हुए हैं आज की इस वीडियो में गीता गोविंदम मूवी के आज हम बारे में हिंदी में रिव्यू करेंगे, और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे कहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बन रहे हैं, और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म में सुपरस्टार कौन है, और इस फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहे हैं, और दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंचे। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म गीता गोविंदम एक 2018 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म GA2 पिक्चर्स 2 के तहत बनी और इस फिल्म का निर्मित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, जबकि सुब्बा राजू और राहुल रामकृष्णा और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते हैं। 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, और जिसने बात करें दोस्तों इस फिल्म की बजट बनाने में 5 करोड़ की मात्रा बजट पर बनी थी। 5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म गीता गोविंदम मूवी ने अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई, यानी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 132 करोड़ के साथ अपनी कमाई की थी। हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह एक पकड़ी गई है और परखी हुई कहानी, लेकिन फिल्म को इसके निर्देशक प्रदर्शन और उत्पादन मूल्य की प्रशंसा मिली थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को आपको नजर आएगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाई थी कि फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आई है। फिल्म की संगीत के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में संगीत दिया है
गोपी सुंदर ने और इस फिल्म का उत्पादक कंपनी GA2 पिक्चर्स द्वारा इसे बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर परशुराम ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने विजय देवरकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता निर्माता फिल्म और जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं वो एक फिल्म फेयर पुरस्कार, एक नदी पुरस्कार और एक सिम्मा पुरस्कार के प्राप्त करता है। 2018 से उन्होंने अपनी आय और लोकप्रियता के कारण फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी सही की सूची में जगह बनाई है। देवरकोंडा ने नुविल्ला 2011 के साथ अपनी शुरुआत की और येवडे सुब्रमण्यम 2015 उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पोलिस चोप्पुल्लू 2016 में, अर्जुन रेड्डी 2017 में और उनके साथ खुद को एक प्रमुख फिल्म अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। महांती 2018, गीता गोविंदन 2018 और टैक्सी वाला 2018 में अभिनय करके और सफलता प्राप्त की थी। देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और देवरकोंडा ने किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोडक्शन कदम रखा जिसने विशेष रूप से मिकू मत्थर रामचप्था 2019 और पुष्पा विमानम 2021 का समर्थन किया था। अपने फिल्मी करियर से परे देवरकोंडा ने कई उत्पादनों का समर्थन किया और अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी और वेयर डिजाइन किया था। बात कर ले दोस्तों, यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा ने रवि बाबू द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नुविल्ला 2011 में अपनी शुरुआत की थी। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों जैसे तमिल भाषा की फिल्मों में भी काम करती है। इनकी सुपरस्टार अभिनेत्री 2016 में रश्मिका मंदाना ने क्रिक पार्टी में अभिनय की शुरुआत की थी जो कि कन्नड़ में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी। और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने कई समीक्षकों से प्रशंसा मिली थी जिन्होंने उन्होंने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिम्मा पुरस्कार जीता था। 2017 में रश्मिका मंदाना ने दो कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी थी। फिल्म चमक में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ के फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम फिल्म में दिखाई दी थी जो कि बेतहा सफल रही थी। 2020 में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने तेलुगु फिल्म सारे लरु नेकी वरु के साथ महेश बाबू के साथ अभिनय किया था जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। उसी वर्ष वह एक फिल्म भीषम में भी दिखाई दिए जो कि 2021 में वो फिल्म रिलीज हुई थी और उसके बाद फिल्म पोगुरु के साथ थी और बाद में सुल्तान में कार्तिक के साथ पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन के साथ अभिनीति 2022 में रश्मिका मंदाना ने अदा वलु मेकी जहरुलु में अभिनय किया था। दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म की रिलीज 15 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था जो कि इस फिल्म का रिलीज तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ था और इस फिल्म का रनर टाइम 142 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म गीता गोविंदम मूवी 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई और यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है जिसने ₹5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म 132 करोड़ के कमाई के साथ हालांकि
132 करोड़ के कमाई के साथ किया है। और हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह फिल्म परखी गई है और परखी हुई कहानी है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए दोस्तों लेकर हाजिर हुए हैं आज की इस वीडियो में गीता गोविंदम मूवी के। आज हम बारे में हिंदी में रिव्यू करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे कहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंचे। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को नजर आएगी। फिल्म गीता गोविंदम एक 2018 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म GA2 पिक्चर्स 2 के तहत बनी और इस फिल्म का निर्मित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदना जबकि सुब्बा राजू और राहुल रामकृष्णा और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते हैं। 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। और जिसने बात करें दोस्तों इस फिल्म की बजट बनाने में 5 करोड़ की मात्रा बजट पर बनी थी। 5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म गीता गोविंदम मूवी ने अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई यानी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 132 करोड़ के साथ अपनी कमाई की थी। हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह एक पकड़ी गई है और परखी हुई कहानी, लेकिन फिल्म को इसके निर्देशक प्रदर्शन और उत्पादन मूल्य की प्रशंसा मिली थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को आपको नजर आएगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाई थी कि फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आई है। फिल्म की संगीत के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में संगीत दिया है गोपी सुंदर ने और इस फिल्म का उत्पादक कंपनी GA2 पिक्चर्स द्वारा इसे बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर परशुराम ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को नजर आएगी। सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने विजय देवरकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता फिल्म और जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। वह एक फिल्मफेयर पुरस्कार, एक नदी पुरस्कार और एक सीमा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। 2018 से उन्होंने अपनी आय और लोकप्रियता के कारण फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में जगह बनाई है। देवरकोंडा ने नुविल्ला 2011 के साथ अपनी शुरुआत की और येवडे सुब्रमण्यम 2015 उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पोली चोपुल्लू 2016 में, अर्जुन रेड्डी 2017 में और उनके साथ खुद को एक प्रमुख फिल्म अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। महांति 2018, गीता गोविंदम 2018 और टैक्सी वाला 2018 में अभिनय करके और सफलता प्राप्त की थी। देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और देवरकोंडा ने किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोडक्शन कदम रखा जिसने विशेष रूप से मिकू मत्थर रामचप्था 2019 और पुष्पा विमानम 2021 का समर्थन किया था। अपने फिल्मी करियर से परे देवरकोंडा ने कई उत्पादनों का समर्थन किया और अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी और वेयर डिजाइन किया था। बात कर ले दोस्तों यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा ने रवि बाबू द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नुविल्ला 2011 में अपनी शुरुआत की थी।
और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों जैसे तमिल भाषा की फिल्मों में भी काम करती है। इनकी सुपरस्टार अभिनेत्री 2016 में रश्मिका मंदाना ने क्रिक पार्टी में अभिनय की शुरुआत की थी, जो कि कन्नड़ में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी। और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने कई समीक्षकों से प्रशंसा मिली थी, जिन्होंने उन्होंने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिम्मा पुरस्कार जीता था। 2017 में रश्मिका मंदाना ने दो कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी थी। फिल्म चमक में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ के फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम फिल्म में दिखाई दी थी, जो कि बेतहा सफल रही थी। 2020 में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने तेलुगु फिल्म सारे लरू नेकी वरू के साथ महेश बाबू के साथ अभिनय किया था, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। उसी बस वह एक फिल्म भीषम में भी दिखाई दिए, जो कि 2021 में वो फिल्म रिलीज हुई थी। और उसके बाद फिल्म पोगुरु के साथ थी और बाद में सुल्तान में कार्तिक के साथ, पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन के साथ अभिनीति 2022 में रश्मिका मंदाना ने अदा वलू मेकी जहरुलू में अभिनय किया था। दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म की रिलीज 15 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था, जो कि इस फिल्म का रिलीज तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ था। और इस फिल्म का रन टाइम 142 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म गीता गोविंदम मूवी 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई और यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है, जिसने ₹5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म 132 करोड़ के कमाई के साथ किया है। और हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह फिल्म परखी गई है और परखी हुई कहानी है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए दोस्तों लेकर हाजिर हुए हैं आज की इस वीडियो में गीता गोविंदम मूवी के आज हम बारे में हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे कहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंचे। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म गीता गोविंदम एक 2018 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म GA2 पिक्चर्स 2 के तहत बनी और इस फिल्म का निर्मित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, जबकि सुब्बा राजू और राहुल रामकृष्णा और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते हैं। 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। और जिसने बात करें दोस्तों इस फिल्म की बजट बनाने में 5 करोड़ की मात्रा बजट पर बनी थी। 5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म गीता गोविंदम मूवी ने अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई, यानी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 132 करोड़ के साथ अपनी कमाई की थी। हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह एक पकड़ी गई है और परखी हुई कहानी, लेकिन फिल्म को इसके निर्देशक प्रदर्शन और उत्पादन मूल्य की प्रशंसा मिली थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता
विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को आपको नजर आएगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाई थी कि फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आई है। फिल्म की संगीत के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में संगीत दिया है गोपी सुंदर ने और इस फिल्म का उत्पादक कंपनी GA2 पिक्चर्स द्वारा इसे बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर परशुराम ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को नजर आएगी। सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने विजय देवरकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता निर्माता फिल्म और जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं वो एक फिल्म फेयर पुरस्कार एक नदी पुरस्कार और एक सीमा पुरस्कार के प्राप्त करता है। 2018 से उन्होंने अपनी आय और लोकप्रियता के कारण फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में जगह बनाई है। देवरकोंडा ने नुविल्ला 2011 के साथ अपनी शुरुआत की और येवडे सुब्रमण्यम 2015 उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पोली चोप्पुल्लू 2016 में अर्जुन रेड्डी 2017 में और उनके साथ खुद को एक प्रमुख और फिल्म अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। महांति 2018, गीता गोविंदन 2018 और टैक्सी वाला 2018 में अभिनय करके और सफलता प्राप्त की थी। देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और देवरकोंडा ने किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोडक्शन कदम रखा जिसने विशेष रूप से मिकू मत्थर रामचप्था 2019 और पुष्पा विमानम 2021 का समर्थन किया था। अपने फिल्मी करियर से परे देवरकोंडा ने कई उत्पादनों का समर्थन किया और अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी और वेयर डिजाइन किया था। बात कर ले दोस्तों यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा ने रवि बाबू द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नुविल्ला 2011 में अपनी शुरुआत की थी। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को नजर आएगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु कन्नड़ और हिंदी फिल्मों जैसे तमिल भाषा की फिल्मों में भी काम करती है। इनकी सुपरस्टार अभिनेत्री 2016 में रश्मिका मंदना ने क्रिक पार्टी में अभिनय की शुरुआत की थी जो कि कन्नड़ में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी। और अभिनेत्री रश्मिका मंदना ने कई समीक्षकों से प्रशंसा मिली थी उन्होंने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिम्मा पुरस्कार जीता था। 2017 में रश्मिका मंदना ने दो कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी थी। फिल्म चमक में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ के फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम फिल्म में दिखाई दी थी जो कि बेतहा सफल रही थी। 2020 में अभिनेत्री रश्मिका मंदना ने तेलुगु फिल्म सारे लरु नेकी वरु के साथ महेश बाबू के साथ अभिनय किया था जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। उसी बस वह एक फिल्म भीषम में भी दिखाई दिए जो कि 2021 में वो फिल्म रिलीज हुई थी और उसके बाद फिल्म पोगुरु के साथ थी और बाद में सुल्तान में कार्तिक के साथ पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन के साथ अभिनीति 2022 में रश्मिका मंदना ने अदा वलु मेकी जहरुलु में अभिनय किया था। दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को नजर आएगी। फिल्म की रिलीज 15 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था जो कि इस फिल्म का रिलीज तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ था और इस फिल्म का रन टाइम 142 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म गीता गोविंदम मूवी 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई और यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है जिसने
रू 5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म 132 करोड़ के कमाई के साथ हालांकि 132 करोड़ के कमाई के साथ किया है और हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह फिल्म परखी गई है और परखी हुई कहानी है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए दोस्तों लेकर हाजिर हुए हैं आज की इस वीडियो में गीता गोविंदम मूवी के आज हम बारे में हिंदी में रिव्यू करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे कहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बन रहे हैं और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुँचे। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को नजर आएगी। फिल्म गीता गोविंदम एक 2018 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म GA2 पिक्चर्स 2 के तहत बनी और इस फिल्म का निर्मित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदना जबकि सुब्बा राजू और राहुल रामकृष्णा और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते हैं। 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और जिसने बात करें दोस्तों इस फिल्म की बजट बनाने में 5 करोड़ की मात्रा बजट पर बनी थी। 5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म गीता गोविंदम मूवी ने अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई यानी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 132 करोड़ के साथ अपनी कमाई की थी। हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह एक पकड़ी गई है और परखी हुई कहानी, लेकिन फिल्म को इसके निर्देशक प्रदर्शन और उत्पादन मूल्य की प्रशंसा मिली थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को आपको नजर आएगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाई थी कि फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आई है। फिल्म की संगीत के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में संगीत दिया है गोपी सुंदर ने और इस फिल्म का उत्पादक कंपनी GA2 पिक्चर्स द्वारा इसे बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर परशुराम ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को नजर आएगी। सुपर स्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने विजय देवरकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता फिल्म और जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। वो एक फिल्मफेयर पुरस्कार, एक नदी पुरस्कार और एक सीमा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। 2018 से उन्होंने अपनी आय और लोकप्रियता के कारण फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी सही की सूची में जगह बनाई है। देवरकोंडा ने नुविल्ला 2011 के साथ अपनी शुरुआत की और येवडे सुब्रमण्यम 2015 उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पोली चोपुल्लू 2016 में, अर्जुन रेड्डी 2017 में और उनके साथ खुद को एक प्रमुख और फिल्म अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। महांती 2018, गीता गोविंदम 2018 और टैक्सी वाला 2018 में अभिनय करके और सफलता प्राप्त की थी। देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और देवरकोंडा ने किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोडक्शन कदम रखा जिसने विशेष रूप से मिकू मत्थर रामचप्था 2019 और पुष्पा विमानम 2021 का समर्थन किया था। अपने फिल्मी करियर से परे देवरकोंडा ने कई उत्पादनों का समर्थन किया और अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी और वेयर डिजाइन किया था। बात कर ले दोस्तों यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता
विजय देवरकोंडा ने रवि बाबू द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नुविल्ला 2011 में अपनी शुरुआत की थी। और दोस्तों, बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों जैसे तमिल भाषा की फिल्मों में भी काम करती है। इनकी सुपरस्टार अभिनेत्री 2016 में रश्मिका मंदाना ने क्रिक पार्टी में अभिनय की शुरुआत की थी, जो कि कन्नड़ में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी। और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने कई समीक्षकों से प्रशंसा मिली थी, उन्होंने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिम्मा पुरस्कार जीता था। 2017 में रश्मिका मंदाना ने दो कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी थी। फिल्म चमक में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ के फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम फिल्म में दिखाई दी थी, जो कि बेतहा सफल रही थी। 2020 में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने तेलुगु फिल्म सारे लरु नेकी वरु के साथ महेश बाबू के साथ अभिनय किया था, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। उसी वर्ष वह एक फिल्म भीषम में भी दिखाई दिए, जो कि 2021 में वो फिल्म रिलीज हुई थी। और उसके बाद फिल्म पोगुरु के साथ थी और बाद में सुल्तान में कार्तिक के साथ, पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन के साथ अभिनीति 2022 में रश्मिका मंदाना ने अदा वलू मेकी जहरुल्लू में अभिनय किया था। दोस्तों, बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म की रिलीज 15 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था, जो कि इस फिल्म का रिलीज तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ था। और इस फिल्म का रनर टाइम 142 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म गीता गोविंदम मूवी 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई और यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है, जिसने ₹5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म 132 करोड़ के कमाई के साथ किया है। और हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह फिल्म परखी गई है और परखी हुई कहानी है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए दोस्तों लेकर हाजिर हुए हैं आज की इस वीडियो में गीता गोविंदम मूवी के आज हम बारे में हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे कहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंचे। और दोस्तों, बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म गीता गोविंदम एक 2018 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म GA2 पिक्चर्स 2 के तहत बनी और इस फिल्म का निर्मित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, जबकि सुब्बा राजू और राहुल रामकृष्णा और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते हैं। 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। और जिसने बात करें दोस्तों, इस फिल्म की बजट बनाने में 5 करोड़ की मात्रा बजट पर बनी थी। 5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म गीता गोविंदम मूवी ने अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई, यानी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 132 करोड़ के साथ अपनी कमाई की थी। हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह एक पकड़ी गई है और परखी हुई कहानी, लेकिन फिल्म को इसके निर्देशक, प्रदर्शन और उत्पादन मूल्य की प्रशंसा मिली थी।
फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को आपको नजर आएगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाई थी कि फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आई है। फिल्म की संगीत के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में संगीत दिया है गोपी सुंदर ने और इस फिल्म का उत्पादक कंपनी GA2 पिक्चर्स द्वारा इसे बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर परशुराम ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। सुपर स्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने विजय देवरकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता निर्माता फिल्म और जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं वह एक फिल्म फेयर पुरस्कार एक नकदी पुरस्कार और एक सिम्मा पुरस्कार के प्राप्त करता है। 2018 से उन्होंने अपनी आय और लोकप्रियता के कारण फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में जगह बनाई है। देवरकोंडा ने नुविल्ला 2011 के साथ अपनी शुरुआत की और येवडे सुब्रमण्यम 2015 उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पोली चोप्पुल्लू 2016 में अर्जुन रेड्डी 2017 में और उनके साथ खुद को एक प्रमुख फिल्म अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। महांति 2018, गीता गोविंदन 2018 और टैक्सी वाला 2018 में अभिनय करके और सफलता प्राप्त की थी। देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और देवरकोंडा ने किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोडक्शन कदम रखा जिसने विशेष रूप से मिकू मत्थर रामचप्था 2019 और पुष्पा विमानम 2021 का समर्थन किया था। अपने फिल्मी करियर से परे देवरकोंडा ने कई उत्पादनों का समर्थन किया और अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी और वेयर डिजाइन किया था। बात कर ले दोस्तों यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा ने रवि बाबू द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नुविल्ला 2011 में अपनी शुरुआत की थी। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु कन्नड़ और हिंदी फिल्मों जैसे तमिल भाषा की फिल्मों में भी काम करती है। इनकी सुपरस्टार अभिनेत्री 2016 में रश्मिका मंदाना ने क्रिक पार्टी में अभिनय की शुरुआत की थी जो कि कन्नड़ में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी। और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने कई समीक्षकों से प्रशंसा मिली थी उन्होंने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिम्मा पुरस्कार जीता था। 2017 में रश्मिका मंदाना ने दो कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी थी। फिल्म चमक में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ के फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम फिल्म में दिखाई दी थी जो कि बेतहा सफल रही थी। 2020 में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने तेलुगु फिल्म सारे लरू नेकी वरू के साथ महेश बाबू के साथ अभिनय किया था जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। उसी वर्ष वह एक फिल्म भीषम में भी दिखाई दिए जो कि 2021 में वो फिल्म रिलीज हुई थी और उसके बाद फिल्म पोगुरु के साथ थी और बाद में सुल्तान में कार्तिक के साथ पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन के साथ अभिनीति 2022 में रश्मिका मंदाना ने अदा वलू मेकी जहरुलू में अभिनय किया था। दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म की रिलीज 15 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था जो कि इस फिल्म का रिलीज तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ था और इस फिल्म का रन टाइम 142 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी।
फिल्म गीता गोविंदम मूवी 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई और यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है जिसने ₹5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म 132 करोड़ के कमाई के साथ हालांकि 132 करोड़ के कमाई के साथ किया है और हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह फिल्म परखी गई है और परखी हुई कहानी है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए दोस्तों लेकर हाजिर हुए हैं आज की इस वीडियो में गीता गोविंदम मूवी के। आज हम बारे में हिंदी में रिव्यू करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे कहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंचे। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को नजर आएगी। फिल्म गीता गोविंदम एक 2018 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म GA2 पिक्चर्स 2 के तहत बनी और इस फिल्म का निर्मित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदना जबकि सुब्बा राजू और राहुल रामकृष्णा और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते हैं। 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और जिसने बात करें दोस्तों इस फिल्म की बजट बनाने में 5 करोड़ की मात्रा बजट पर बनी थी। 5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म गीता गोविंदम मूवी ने अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई यानी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 132 करोड़ के साथ अपनी कमाई की थी। हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह एक परखी गई है और परखी हुई कहानी, लेकिन फिल्म को इसके निर्देशक प्रदर्शन और उत्पादन मूल्य की प्रशंसा मिली थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को आपको नजर आएगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाई थी कि फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आई है। फिल्म की संगीत के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में संगीत दिया है गोपी सुंदर ने और इस फिल्म का उत्पादक कंपनी GA2 पिक्चर्स द्वारा इसे बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर परशुराम ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को नजर आएगी। सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने विजय देवरकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता फिल्म और जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। वो एक फिल्मफेयर पुरस्कार, एक नदी पुरस्कार और एक सीमा पुरस्कार के प्राप्त करता है। 2018 से उन्होंने अपनी आय और लोकप्रियता के कारण फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी सही की सूची में जगह बनाई है। देवरकोंडा ने नुविल्ला 2011 के साथ अपनी शुरुआत की और येवडे सुब्रमण्यम 2015 उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पोली चोपुल्लू 2016 में, अर्जुन रेड्डी 2017 में और उनके साथ खुद को एक प्रमुख और फिल्म अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। महांती 2018, गीता गोविंदम 2018 और टैक्सी वाला 2018 में अभिनय करके और सफलता प्राप्त की थी। देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और देवरकोंडा ने किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोडक्शन कदम रखा जिसने विशेष रूप से मिकू मत्थर रामचप्था 2019 और पुष्पा विमानम 2021 का समर्थन किया था। अपने फिल्मी करियर से परे देवरकोंडा ने कई उत्पादनों का समर्थन किया और अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी और वेयर डिजाइन किया था।
बात कर ले दोस्तों, यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा ने रवि बाबू द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नुविल्ला 2011 में अपनी शुरुआत की थी। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों जैसे तमिल भाषा की फिल्मों में भी काम करती है। इनकी सुपरस्टार अभिनेत्री 2016 में रश्मिका मंदाना ने क्रिक पार्टी में अभिनय की शुरुआत की थी, जो कि कन्नड़ में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी। और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने कई समीक्षकों से प्रशंसा मिली थी, उन्होंने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिम्मा पुरस्कार जीता था। 2017 में रश्मिका मंदाना ने दो कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी थी। फिल्म चमक में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ के फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम फिल्म में दिखाई दी थी, जो कि बेतहा सफल रही थी। 2020 में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने तेलुगु फिल्म सारे लरु नेकी वरु के साथ महेश बाबू के साथ अभिनय किया था, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। उसी बस वह एक फिल्म भीषम में भी दिखाई दिए, जो कि 2021 में वो फिल्म रिलीज हुई थी। और उसके बाद फिल्म पोगुरु के साथ थी और बाद में सुल्तान में कार्तिक के साथ, पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन के साथ अभिनीति 2022 में रश्मिका मंदाना ने अदा वलू मेकी जहरुल्लू में अभिनय किया था। दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म की रिलीज 15 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था, जो कि इस फिल्म का रिलीज तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ था। और इस फिल्म का रनर टाइम 142 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म गीता गोविंदम मूवी 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई और यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है, जिसने ₹5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म 132 करोड़ के कमाई के साथ किया है। और हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह फिल्म परखी गई है और परखी हुई कहानी है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए दोस्तों लेकर हाजिर हुए हैं आज की इस वीडियो में गीता गोविंदम मूवी के। आज हम बारे में हिंदी में रिव्यू करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे कहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बन रहे हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंचे। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म गीता गोविंदम एक 2018 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म GA2 पिक्चर्स 2 के तहत बनी और इस फिल्म का निर्मित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, जबकि सुब्बा राजू और राहुल रामकृष्णा और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते हैं। 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। और जिसने बात करें दोस्तों इस फिल्म की बजट बनाने में 5 करोड़ की मात्रा बजट पर बनी थी। 5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म गीता गोविंदम मूवी ने अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई, यानी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 132 करोड़ के साथ अपनी कमाई की थी। हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह एक पखरी गई है और
पर की हुई कहानी, लेकिन फिल्म को इसके निर्देशक, प्रदर्शन और उत्पादन मूल्य की प्रशंसा मिली थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को आपको नजर आएगी। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको यह भी बात बताई थी कि फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आई है। फिल्म की संगीत के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस फिल्म में संगीत दिया है गोपी सुंदर ने, और इस फिल्म का उत्पादक कंपनी GA2 पिक्चर्स द्वारा इसे बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर परशुराम ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था, और फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने विजय देवरकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता फिल्म और जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं, वह एक फिल्मफेयर पुरस्कार, एक नदी पुरस्कार और एक सिम्मा पुरस्कार के प्राप्त करता है। 2018 से उन्होंने अपनी आय और लोकप्रियता के कारण फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में जगह बनाई है। देवरकोंडा ने नुविल्ला 2011 के साथ अपनी शुरुआत की, और येवडे सुब्रमण्यम 2015 उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पोलिस चोप्पुल्लू 2016 में, अर्जुन रेड्डी 2017 में, और उनके साथ खुद को एक प्रमुख और फिल्म अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। महांती 2018, गीता गोविंदन 2018 और टैक्सी वाला 2018 में अभिनय करके और सफलता प्राप्त की थी। देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, और देवरकोंडा ने किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोडक्शन कदम रखा, जिसने विशेष रूप से मिकू मत्थर रामचप्था 2019 और पुष्पा विमानम 2021 का समर्थन किया था। अपने फिल्मी करियर से परे देवरकोंडा ने कई उत्पादनों का समर्थन किया और अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी और वेयर डिजाइन किया था। बात कर ले दोस्तों, यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा ने रवि बाबू द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नुविल्ला 2011 में अपनी शुरुआत की थी। और दोस्तों, बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों जैसे तमिल भाषा की फिल्मों में भी काम करती है। इनकी सुपरस्टार अभिनेत्री 2016 में रश्मिका मंदाना ने क्रिक पार्टी में अभिनय की शुरुआत की थी, जो कि कन्नड़ में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी। और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने कई समीक्षकों से प्रशंसा मिली थी जिन्होंने उन्होंने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिम्मा पुरस्कार जीता था। 2017 में रश्मिका मंदाना ने दो कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी थी। फिल्म चमक में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ के फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम फिल्म में दिखाई दी थी, जो कि बेतहा सफल रही थी। 2020 में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने तेलुगु फिल्म सारे लरू नेकी वरु के साथ महेश बाबू के साथ अभिनय किया था, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। उसी बस वह एक फिल्म भीषम में भी दिखाई दिए, जो कि 2021 में वो फिल्म रिलीज हुई थी, और उसके बाद फिल्म पोगुरु के साथ थी, और बाद में सुल्तान में कार्तिक के साथ, पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन के साथ अभिनीति 2022 में रश्मिका मंदाना ने अदा वलु मेकी जहरुलु में अभिनय किया था। दोस्तों, बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म की
रिलीज 15 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था, जो कि इस फिल्म का रिलीज तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ था और इस फिल्म का रनर टाइम 142 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म गीता गोविंदम मूवी 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई और यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है, जिसने ₹5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म 132 करोड़ के कमाई के साथ हालांकि 132 करोड़ के कमाई के साथ किया है और हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह फिल्म परखी गई है और परखी हुई कहानी। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए दोस्तों लेकर हाजिर हुए हैं आज के इस वीडियो में गीता गोविंदम मूवी के। आज हम बारे में हिंदी में रिव्यू करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे कहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंचे। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को नजर आएगी। फिल्म गीता गोविंदम एक 2018 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म GA2 पिक्चर्स 2 के तहत बनी और इस फिल्म का निर्मित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदना जबकि सुब्बा राजू और राहुल रामकृष्णा और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते हैं। 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और जिसने बात करें दोस्तों इस फिल्म की बजट बनाने में 5 करोड़ की मात्रा बजट पर बनी थी। 5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म गीता गोविंदम मूवी ने अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई यानी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 132 करोड़ के साथ अपनी कमाई की थी। हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह एक परखी गई है और परखी हुई कहानी, लेकिन फिल्म को इसके निर्देशक प्रदर्शन और उत्पादन मूल्य की प्रशंसा मिली थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को आपको नजर आएगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाई थी कि फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आई है। फिल्म की संगीत के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में संगीत दिया है गोपी सुंदर ने और इस फिल्म का उत्पादक कंपनी GA2 पिक्चर्स द्वारा इसे बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर परशुराम ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदना देखने को नजर आएगी। सुपर स्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने विजय देवरकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता फिल्म और जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। वो एक फिल्मफेयर पुरस्कार, एक नदी पुरस्कार और एक सीमा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। 2018 से उन्होंने अपनी आय और लोकप्रियता के कारण फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी सही की सूची में जगह बनाई है। देवरकोंडा ने नुविल्ला 2011 के साथ अपनी शुरुआत की और येवडे सुब्रमण्यम 2015 उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पोली चोपुल्लू 2016 में, अर्जुन रेड्डी 2017 में और उनके साथ खुद को एक प्रमुख और फिल्म अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। महांती 2018, गीता गोविंदम 2018 और टैक्सी वाला 2018 में अभिनय करके और सफलता प्राप्त की थी। देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और देवरकोंडा ने किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोडक्शन कदम रखा, जिसने विशेष रूप से मिकू मत्थर रामचप्था 2019 और पुष्पा विमानम 2021 का समर्थन किया था।
अपने फिल्मी करियर से परे देवरकोंडा ने कई उत्पादनों का समर्थन किया और अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी और वेयर डिजाइन किया था। बात कर ले दोस्तों, यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा ने रवि बाबू द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नुविल्ला 2011 में अपनी शुरुआत की थी। और दोस्तों, बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों जैसे तमिल भाषा की फिल्मों में भी काम करती है। इनकी सुपरस्टार अभिनेत्री 2016 में रश्मिका मंदाना ने क्रिक पार्टी में अभिनय की शुरुआत की थी, जो कि कन्नड़ में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी। और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने कई समीक्षकों से प्रशंसा मिली थी, उन्होंने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिम्मा पुरस्कार जीता था। 2017 में रश्मिका मंदाना ने दो कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी थी। फिल्म चमक में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ के फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम फिल्म में दिखाई दी थी, जो कि बेतहा सफल रही थी। 2020 में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने तेलुगु फिल्म सहरी लरु नेकी वरु के साथ महेश बाबू के साथ अभिनय किया था, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। उसी वर्ष वह एक फिल्म भीषम में भी दिखाई दिए, जो कि 2021 में वो फिल्म रिलीज हुई थी। और उसके बाद फिल्म पोगुरु के साथ थी और बाद में सुल्तान में कार्तिक के साथ, पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन के साथ अभिनीति 2022 में रश्मिका मंदाना ने अदा वलु मेकी जहरुलु में अभिनय किया था। दोस्तों, बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म की रिलीज 15 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था, जो कि इस फिल्म का रिलीज तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ था। और इस फिल्म का रनर टाइम 142 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म गीता गोविंदम मूवी 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई और यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है, जिसने ₹5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म 132 करोड़ के कमाई के साथ किया है। और हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह फिल्म परखी गई है और परखी हुई कहानी। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए दोस्तों लेकर हाजिर हुए हैं आज की इस वीडियो में गीता गोविंदम मूवी के। आज हम बारे में हिंदी में रिव्यू करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे कहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंचे। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म गीता गोविंदम एक 2018 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म GA2 पिक्चर्स 2 के तहत बनी और इस फिल्म का निर्मित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, जबकि सुब्बा राजू और राहुल रामकृष्णा और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते हैं। 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। और जिसने बात करें दोस्तों, इस फिल्म की बजट बनाने में 5 करोड़ की मात्रा बजट पर बनी थी।
5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म गीता गोविंदा मूवी ने अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई यानी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 132 करोड़ के साथ अपनी कमाई की थी। हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह एक पखरी गई है और परखी हुई कहानी, लेकिन फिल्म को इसके निर्देशक प्रदर्शन और उत्पादन मूल्य की प्रशंसा मिली थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को आपको नजर आएगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बताई थी कि फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आई है। फिल्म की संगीत के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में संगीत दिया है गोपी सुंदर ने और इस फिल्म का उत्पादक कंपनी GA2 पिक्चर्स द्वारा इसे बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर परशुराम ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। सुपर स्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने विजय देवरकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता फिल्म और जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं, वो एक फिल्मफेयर पुरस्कार, एक नदी पुरस्कार और एक सिम्मा पुरस्कार के प्राप्त करता है। 2018 से उन्होंने अपनी आय और लोकप्रियता के कारण फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी सही की सूची में जगह बनाई है। देवरकोंडा ने नुविल्ला 2011 के साथ अपनी शुरुआत की और येवडे सुब्रमण्यम 2015 उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पोली चोपुल्लू 2016 में, अर्जुन रेड्डी 2017 में और उनके साथ खुद को एक प्रमुख और फिल्म अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। महांती 2018, गीता गोविंदन 2018 और टैक्सी वाला 2018 में अभिनय करके और सफलता प्राप्त की थी। देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और देवरकोंडा ने किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोडक्शन कदम रखा, जिसने विशेष रूप से मिकू मत्थर रामचप्था 2019 और पुष्पा विमानम 2021 का समर्थन किया था। अपने फिल्मी करियर से परे देवरकोंडा ने कई उत्पादनों का समर्थन किया और अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी और वेयर डिजाइन किया था। बात कर ले दोस्तों यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा ने रवि बाबू द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नुविल्ला 2011 में अपनी शुरुआत की थी। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों जैसे तमिल भाषा की फिल्मों में भी काम करती है। इनकी सुपरस्टार अभिनेत्री 2016 में रश्मिका मंदाना ने क्रिक पार्टी में अभिनय की शुरुआत की थी, जो कि कन्नड़ में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी। और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने कई समीक्षकों से प्रशंसा मिली थी जिन्होंने उन्होंने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिम्मा पुरस्कार जीता था। 2017 में रश्मिका मंदाना ने दो कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी थी। फिल्म चमक में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ के फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम फिल्म में दिखाई दी थी, जो कि बेतहा सफल रही थी। 2020 में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने तेलुगु फिल्म सारी लरु नेकी वरु के साथ महेश बाबू के साथ अभिनय किया था, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। उसी बस वह एक फिल्म भीषम में भी दिखाई दिए, जो कि 2021 में वो फिल्म रिलीज हुई थी और उसके बाद फिल्म पोगुरु के साथ थी और बाद में सुल्तान में कार्तिक के साथ पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन के साथ अभिनीति 2022 में रश्मिका मंदाना ने अदा वलु मेकी जहरुलु में अभिनय किया था।
दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म की रिलीज 15 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था, जो कि इस फिल्म का रिलीज तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ था और इस फिल्म का रनर टाइम 142 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म गीता गोविंदम मूवी 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई और यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है, जिसने ₹5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म 132 करोड़ के कमाई के साथ हालांकि 132 करोड़ के कमाई के साथ किया है और हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह फिल्म परखी गई है और परखी हुई कहानी है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए दोस्तों लेकर हाजिर हुए हैं आज की इस वीडियो में गीता गोविंदम मूवी के। आज हम बारे में हिंदी में रिव्यू करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे कहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंचे। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म गीता गोविंदम एक 2018 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म GA2 पिक्चर्स 2 के तहत बनी और इस फिल्म का निर्मित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जबकि सुब्बा राजू और राहुल रामकृष्णा और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते हैं। 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और जिसने बात करें दोस्तों इस फिल्म की बजट बनाने में 5 करोड़ की मात्रा बजट पर बनी थी। 5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म गीता गोविंदम मूवी ने अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई यानी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 132 करोड़ के साथ अपनी कमाई की थी। हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह एक पखरी गई है और परखी हुई कहानी, लेकिन फिल्म को इसके निर्देशक प्रदर्शन और उत्पादन मूल्य की प्रशंसा मिली थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को आपको नजर आएगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाई थी कि फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आई है। फिल्म की संगीत के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में संगीत दिया है गोपी सुंदर ने और इस फिल्म का उत्पादक कंपनी GA2 पिक्चर्स द्वारा इसे बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर परशुराम ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। सुपर स्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने विजय देवरकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता फिल्म और जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं, वह एक फिल्मफेयर पुरस्कार, एक नदी पुरस्कार और एक सीमा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। 2018 से उन्होंने अपनी आय और लोकप्रियता के कारण फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में जगह बनाई है। देवरकोंडा ने नुविल्ला 2011 के साथ अपनी शुरुआत की और येवडे सुब्रमण्यम 2015 उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पोली चोपुल्लू 2016 में, अर्जुन रेड्डी 2017 में और उनके साथ खुद को एक प्रमुख और फिल्म अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। महांति 2018, गीता गोविंदन 2018 और टैक्सी वाला 2018 में अभिनय करके और सफलता प्राप्त की थी। देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और देवरकोंडा ने किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोडक्शन कदम रखा,
जिसने विशेष रूप से मिकु मत्थर रामचप्था 2019 और पुष्पा विमानम 2021 का समर्थन किया था। अपने फिल्मी करियर से परे देवरकोंडा ने कई उत्पादनों का समर्थन किया और अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी और वेयर डिजाइन किया था। बात कर ले दोस्तों, यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा ने रवि बाबू द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नुविल्ला 2011 में अपनी शुरुआत की थी। और दोस्तों, बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों जैसे तमिल भाषा की फिल्मों में भी काम करती है। इनकी सुपरस्टार अभिनेत्री 2016 में रश्मिका मंदाना ने क्रिक पार्टी में अभिनय की शुरुआत की थी, जो कि कन्नड़ में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी। और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने कई समीक्षकों से प्रशंसा मिली थी, उन्होंने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिम्मा पुरस्कार जीता था। 2017 में रश्मिका मंदाना ने दो कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी थी। फिल्म चमक में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ के फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम फिल्म में दिखाई दी थी, जो कि बेतहा सफल रही थी। 2020 में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने तेलुगु फिल्म सारे लरू नेकी वरू के साथ महेश बाबू के साथ अभिनय किया था, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। उसी वर्ष वह एक फिल्म भीषम में भी दिखाई दिए, जो कि 2021 में वो फिल्म रिलीज हुई थी। और उसके बाद फिल्म पोगुरु के साथ थी और बाद में सुल्तान में कार्तिक के साथ पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन के साथ अभिनीति 2022 में रश्मिका मंदाना ने अदा वलू मेकी जहरुलू में अभिनय किया था। दोस्तों, बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म की रिलीज 15 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था, जो कि इस फिल्म का रिलीज तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ था। और इस फिल्म का रन टाइम 142 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म गीता गोविंदम मूवी 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई और यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है, जिसने ₹5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म 132 करोड़ के कमाई के साथ किया है। और हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह फिल्म परखी गई है और परखी हुई कहानी। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए दोस्तों लेकर हाजिर हुए हैं आज की इस वीडियो में गीता गोविंदम मूवी के आज हम बारे में हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे कहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंचे। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म गीता गोविंदम एक 2018 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म GA2 पिक्चर्स 2 के तहत बनी और इस फिल्म का निर्मित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जबकि सुब्बा राजू और राहुल रामकृष्णा और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते हैं। 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और जिसने
बात करें दोस्तों इस फिल्म की, बजट बनाने में 5 करोड़ की मात्रा बजट पर बनी थी। 5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म गीता गोविंदा मूवी ने अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई, यानी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 132 करोड़ के साथ अपनी कमाई की थी। हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह एक पकड़ी गई है और परखी हुई कहानी, लेकिन फिल्म को इसके निर्देशक प्रदर्शन और उत्पादन मूल्य की प्रशंसा मिली थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को आपको नजर आएगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाई थी कि फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आई है। फिल्म की संगीत के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में संगीत दिया है गोपी सुंदर ने, और इस फिल्म का उत्पादक कंपनी GA2 पिक्चर्स द्वारा इसे बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर परशुराम ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। सुपर स्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने विजय देवरकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता फिल्म और जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं, वह एक फिल्म फेयर पुरस्कार, एक नदी पुरस्कार और एक सिम्मा पुरस्कार के प्राप्त करता है। 2018 से उन्होंने अपनी आय और लोकप्रियता के कारण फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में जगह बनाई है। देवरकोंडा ने नुविल्ला 2011 के साथ अपनी शुरुआत की और येवडे सुब्रमण्यम 2015 उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पोली चोप्पुल्लू 2016 में, अर्जुन रेड्डी 2017 में और उनके साथ खुद को एक प्रमुख और फिल्म अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। महांति 2018, गीता गोविंदन 2018 और टैक्सी वाला 2018 में अभिनय करके और सफलता प्राप्त की थी। देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और देवरकोंडा ने किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोडक्शन कदम रखा, जिसने विशेष रूप से मिकू मत्थर रामचप्था 2019 और पुष्पा विमानम 2021 का समर्थन किया था। अपने फिल्मी करियर से परे देवरकोंडा ने कई उत्पादनों का समर्थन किया और अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी और वेयर डिजाइन किया था। बात कर ले दोस्तों यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा ने रवि बाबू द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नुविल्ला 2011 में अपनी शुरुआत की थी। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों जैसे तमिल भाषा की फिल्मों में भी काम करती है। इनकी सुपरस्टार अभिनेत्री 2016 में रश्मिका मंदाना ने क्रिक पार्टी में अभिनय की शुरुआत की थी, जो कि कन्नड़ में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी। और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने कई समीक्षकों से प्रशंसा मिली थी जिन्होंने उन्होंने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिम्मा पुरस्कार जीता था। 2017 में रश्मिका मंदाना ने दो कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी थी। फिल्म चमक में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ के फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम फिल्म में दिखाई दी थी, जो कि बेतहा सफल रही थी। 2020 में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने तेलुगु फिल्म सारे लरु नेकी वरु के साथ महेश बाबू के साथ अभिनय किया था, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। उसी बस वह एक फिल्म भीषम में भी दिखाई दिए, जो कि 2021 में वो फिल्म रिलीज हुई थी और उसके बाद फिल्म पोगुरु के साथ थी और बाद में सुल्तान में कार्तिक के साथ, पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन के साथ अभिनीति 2022 में रश्मिका मंदाना ने अदा वलु मेकी जहरुलु में अभिनय किया था।
दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म की रिलीज 15 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था, जो कि इस फिल्म का रिलीज तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ था और इस फिल्म का रन टाइम 142 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म गीता गोविंदम मूवी 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई और यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है, जिसने ₹5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म 132 करोड़ के कमाई के साथ किया है। और हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह फिल्म परखी गई है और परखी हुई कहानी है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए दोस्तों लेकर हाजिर हुए हैं आज की इस वीडियो में गीता गोविंदम मूवी के। आज हम बारे में हिंदी में रिव्यू करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे कहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंचे। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म गीता गोविंदम एक 2018 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म GA2 पिक्चर्स 2 के तहत बनी और इस फिल्म का निर्मित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, जबकि सुब्बा राजू और राहुल रामकृष्णा और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते हैं। 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और जिसने बात करें दोस्तों इस फिल्म की बजट बनाने में 5 करोड़ की मात्रा बजट पर बनी थी। 5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म गीता गोविंदम मूवी ने अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई, यानी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 132 करोड़ के साथ अपनी कमाई की थी। हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह एक पकड़ी गई है और परखी हुई कहानी, लेकिन फिल्म को इसके निर्देशक प्रदर्शन और उत्पादन मूल्य की प्रशंसा मिली थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को आपको नजर आएगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाई थी कि फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आई है। फिल्म की संगीत के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में संगीत दिया है गोपी सुंदर ने और इस फिल्म का उत्पादक कंपनी GA2 पिक्चर्स द्वारा इसे बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर परशुराम ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। सुपर स्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा यह एक भारतीय अभिनेता है, जिन्होंने विजय देवरकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता फिल्म और जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं, वो एक फिल्मफेयर पुरस्कार, एक नदी पुरस्कार और एक सीमा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। 2018 से उन्होंने अपनी आय और लोकप्रियता के कारण फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी सही की सूची में जगह बनाई है। देवरकोंडा ने नुविल्ला 2011 के साथ अपनी शुरुआत की और येवडे सुब्रमण्यम 2015 उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पोली चोपुल्लू 2016 में, अर्जुन रेड्डी 2017 में और उनके साथ खुद को एक प्रमुख और फिल्म अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। महांती 2018, गीता गोविंदम 2018 और टैक्सी वाला 2018 में अभिनय करके और सफलता प्राप्त की थी। देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और देवरकोंडा ने किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोडक्शन कदम रखा,
जिसने विशेष रूप से मिकू मत्थर रामचप्था 2019 और पुष्पा विमानम 2021 का समर्थन किया था। अपने फिल्मी करियर से परे देवरकोंडा ने कई उत्पादनों का समर्थन किया और अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी और वेयर डिजाइन किया था। बात कर ले दोस्तों, यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा ने रवि बाबू द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नुविल्ला 2011 में अपनी शुरुआत की थी। और दोस्तों, बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों जैसे तमिल भाषा की फिल्मों में भी काम करती है। इनकी सुपरस्टार अभिनेत्री 2016 में रश्मिका मंदाना ने क्रिक पार्टी में अभिनय की शुरुआत की थी, जो कि कन्नड़ में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी। और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने कई समीक्षकों से प्रशंसा मिली थी, उन्होंने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिम्मा पुरस्कार जीता था। 2017 में रश्मिका मंदाना ने दो कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी थी। फिल्म चमक में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ के फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम फिल्म में दिखाई दी थी, जो कि बेतहा सफल रही थी। 2020 में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने तेलुगु फिल्म सारे लरु नेकी वरु के साथ महेश बाबू के साथ अभिनय किया था, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। उसी बस वह एक फिल्म भीषम में भी दिखाई दिए, जो कि 2021 में वो फिल्म रिलीज हुई थी। और उसके बाद फिल्म पोगुरु के साथ थी और बाद में सुल्तान में कार्तिक के साथ, पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन के साथ अभिनीति 2022 में रश्मिका मंदाना ने अदा वलू मेकी जहरुल्लू में अभिनय किया था। दोस्तों, बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म की रिलीज 15 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था, जो कि इस फिल्म का रिलीज तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ था। और इस फिल्म का रनर टाइम 142 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म गीता गोविंदम मूवी 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई और यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है, जिसने ₹5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म 132 करोड़ के कमाई के साथ किया है। और हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह फिल्म परखी गई है और परखी हुई कहानी है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए दोस्तों लेकर हाजिर हुए हैं आज की इस वीडियो में गीता गोविंदम मूवी के। आज हम बारे में हिंदी में रिव्यू करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे कहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंचे। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म गीता गोविंदम एक 2018 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म GA2 पिक्चर्स 2 के तहत बनी और इस फिल्म का निर्मित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, जबकि सुब्बा राजू और राहुल रामकृष्णा और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते हैं। 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और जिसने
बात करें दोस्तों इस फिल्म की, बजट बनाने में 5 करोड़ की मात्र बजट पर बनी थी। 5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म गीता गोविंदम मूवी ने अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई, यानी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 132 करोड़ के साथ अपनी कमाई की थी। हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह एक पखरी गई है और परखी हुई कहानी, लेकिन फिल्म को इसके निर्देशक, प्रदर्शन और उत्पादन मूल्य की प्रशंसा मिली थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को आपको नजर आएगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाई थी कि फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आई है। फिल्म की संगीत के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में संगीत दिया है गोपी सुंदर ने और इस फिल्म का उत्पादक कंपनी GA2 पिक्चर्स द्वारा इसे बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर परशुराम ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने विजय देवरकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता फिल्म और जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं, वह एक फिल्मफेयर पुरस्कार, एक नदी पुरस्कार और एक सिम्मा पुरस्कार के प्राप्त करता है। 2018 से उन्होंने अपनी आय और लोकप्रियता के कारण फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में जगह बनाई है। देवरकोंडा ने नुविल्ला 2011 के साथ अपनी शुरुआत की और येवडे सुब्रमण्यम 2015 उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पोली चोपुल्लू 2016 में, अर्जुन रेड्डी 2017 में और उनके साथ खुद को एक प्रमुख और फिल्म अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। महांती 2018, गीता गोविंदम 2018 और टैक्सी वाला 2018 में अभिनय करके और सफलता प्राप्त की थी। देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और देवरकोंडा ने किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोडक्शन कदम रखा, जिसने विशेष रूप से मिकू मत्थर रामचप्था 2019 और पुष्पा विमानम 2021 का समर्थन किया था। अपने फिल्मी करियर से परे देवरकोंडा ने कई उत्पादनों का समर्थन किया और अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी और वेयर डिजाइन किया था। बात कर ले दोस्तों यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा ने रवि बाबू द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नुविल्ला 2011 में अपनी शुरुआत की थी। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों जैसे तमिल भाषा की फिल्मों में भी काम करती है। इनकी सुपरस्टार अभिनेत्री 2016 में रश्मिका मंदाना ने क्लिक पार्टी में अभिनय की शुरुआत की थी, जो कि कन्नड़ में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी। और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने कई समीक्षकों से प्रशंसा मिली थी जिन्होंने उन्होंने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिम्मा पुरस्कार जीता था। 2017 में रश्मिका मंदाना ने दो कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी थी। फिल्म चमक में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ के फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम फिल्म में दिखाई दी थी, जो कि बेतहा सफल रही थी। 2020 में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने तेलुगु फिल्म सारे लरु नेकी वरु के साथ महेश बाबू के साथ अभिनय किया था, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। उसी बस वह एक फिल्म भीषम में भी दिखाई दिए, जो कि 2021 में वो फिल्म रिलीज हुई थी और उसके बाद फिल्म पोगुरु के साथ थी और बाद में सुल्तान में कार्तिक के साथ, पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन के साथ अभिनीति 2022 में रश्मिका मंदाना ने अदा वलु मेकी जहरुलु में अभिनय किया था।
दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म की रिलीज 15 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था, जो कि इस फिल्म का रिलीज तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ था और इस फिल्म का रनर टाइम 142 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म गीता गोविंदम मूवी 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई और यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है, जिसने ₹5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म 132 करोड़ के कमाई के साथ हालांकि 132 करोड़ के कमाई के साथ किया है और हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह फिल्म परखी गई है और परखी हुई कहानी है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए दोस्तों लेकर हाजिर हुए हैं आज की इस वीडियो में गीता गोविंदम मूवी के आज हम बारे में हिंदी में रिव्यू करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे कहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंचे। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म गीता गोविंदम एक 2018 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म GA2 पिक्चर्स 2 के तहत बनी और इस फिल्म का निर्मित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जबकि सुब्बा राजू और राहुल रामकृष्णा और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते हैं। 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और जिसने बात करें दोस्तों इस फिल्म की बजट बनाने में 5 करोड़ की मात्रा बजट पर बनी थी। 5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म गीता गोविंदम मूवी ने अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई यानी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 132 करोड़ के साथ अपनी कमाई की थी। हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह एक पकड़ी गई है और परखी हुई कहानी, लेकिन फिल्म को इसके निर्देशक प्रदर्शन और उत्पादन मूल्य की प्रशंसा मिली थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को आपको नजर आएगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाई थी कि फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आई है। फिल्म की संगीत के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में संगीत दिया है गोपी सुंदर ने और इस फिल्म का उत्पादक कंपनी GA2 पिक्चर्स द्वारा इसे बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर परशुराम ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने विजय देवरकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता फिल्म और जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। वो एक फिल्मफेयर पुरस्कार, एक नदी पुरस्कार और एक सीमा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। 2018 से उन्होंने अपनी आय और लोकप्रियता के कारण फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी सही की सूची में जगह बनाई है। देवरकोंडा ने नुविल्ला 2011 के साथ अपनी शुरुआत की और येवडे सुब्रमण्यम 2015 उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पोली चोपुल्लू 2016 में, अर्जुन रेड्डी 2017 में और उनके साथ खुद को एक प्रमुख और फिल्म अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। महांती 2018, गीता गोविंदम 2018 और टैक्सी वाला 2018 में अभिनय करके और सफलता प्राप्त की थी। देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता
और देवरकोंडा ने किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोडक्शन कदम रखा, जिसने विशेष रूप से मिकू मत्थर रामचथा 2019 और पुष्पा विमानम 2021 का समर्थन किया था। अपने फिल्मी करियर से परे देवरकोंडा ने कई उत्पादनों का समर्थन किया और अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी और वेयर डिजाइन किया था। बात कर ले दोस्तों, यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा ने रवि बाबू द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नुविल्ला 2011 में अपनी शुरुआत की थी। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों जैसे तमिल भाषा की फिल्मों में भी काम करती है। इनकी सुपरस्टार अभिनेत्री 2016 में रश्मिका मंदाना ने क्रिक पार्टी में अभिनय की शुरुआत की थी, जो कि कन्नड़ में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी। और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने कई समीक्षकों से प्रशंसा मिली थी, जिन्होंने उन्होंने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिम्मा पुरस्कार जीता था। 2017 में रश्मिका मंदाना ने दो कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी थी। फिल्म चमक में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ के फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम फिल्म में दिखाई दी थी, जो कि बेतहा सफल रही थी। 2020 में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने तेलुगु फिल्म सारे लरु नेकी वरु के साथ महेश बाबू के साथ अभिनय किया था, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। उसी बस वह एक फिल्म भीषम में भी दिखाई दिए, जो कि 2021 में वो फिल्म रिलीज हुई थी। और उसके बाद फिल्म पोगुरु के साथ थी और बाद में सुल्तान में कार्तिक के साथ, पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन के साथ अभिनीति 2022 में रश्मिका मंदाना ने अदा वलू मेकी जहरुलू में अभिनय किया था। दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म की रिलीज 15 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था, जो कि इस फिल्म का रिलीज तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ था। और इस फिल्म का रनर टाइम 142 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म गीता गोविंदम मूवी 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई और यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है, जिसने ₹5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म 132 करोड़ के कमाई के साथ किया है। और हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह फिल्म परखी गई है और परखी हुई कहानी है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए दोस्तों लेकर हाजिर हुए हैं आज की इस वीडियो में गीता गोविंदम मूवी के आज हम बारे में हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे कहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बन रहे हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंचे। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म गीता गोविंदम एक 2018 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म GA2 पिक्चर्स 2 के तहत बनी और इस फिल्म का निर्मित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, जबकि सुब्बा राजू और राहुल रामकृष्णा और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते हैं।
15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और जिसने बात करें दोस्तों इस फिल्म की बजट बनाने में 5 करोड़ की मात्रा बजट पर बनी थी। 5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म गीता गोविंदा मूवी ने अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई यानी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 132 करोड़ के साथ अपनी कमाई की थी। हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह एक पकड़ी गई है और परखी हुई कहानी, लेकिन फिल्म को इसके निर्देशक प्रदर्शन और उत्पादन मूल्य की प्रशंसा मिली थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को आपको नजर आएगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाई थी कि फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आई है। फिल्म की संगीत के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में संगीत दिया है गोपी सुंदर ने और इस फिल्म का उत्पादक कंपनी GA2 पिक्चर्स द्वारा इसे बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर परशुराम ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने विजय देवरकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता फिल्म और जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं, वह एक फिल्मफेयर पुरस्कार, एक नदी पुरस्कार और एक सिम्मा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। 2018 से उन्होंने अपनी आय और लोकप्रियता के कारण फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में जगह बनाई है। देवरकोंडा ने नुविल्ला 2011 के साथ अपनी शुरुआत की और येवडे सुब्रमण्यम 2015 उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पोली चोप्पुल्लू 2016 में, अर्जुन रेड्डी 2017 में और उनके साथ खुद को एक प्रमुख और फिल्म अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। महांती 2018, गीता गोविंदन 2018 और टैक्सी वाला 2018 में अभिनय करके और सफलता प्राप्त की थी। देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और देवरकोंडा ने किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोडक्शन कदम रखा, जिसने विशेष रूप से मिकू मत्थर रामचप्था 2019 और पुष्पा विमानम 2021 का समर्थन किया था। अपने फिल्मी करियर से परे देवरकोंडा ने कई उत्पादनों का समर्थन किया और अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी और वेयर डिजाइन किया था। बात कर ले दोस्तों यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा ने रवि बाबू द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नुविल्ला 2011 में अपनी शुरुआत की थी। और दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों जैसे तमिल भाषा की फिल्मों में भी काम करती है। इनकी सुपरस्टार अभिनेत्री 2016 में रश्मिका मंदाना ने क्लिक पार्टी में अभिनय की शुरुआत की थी, जो कि कन्नड़ में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी। और अब भी नेत्री रश्मिका मंदाना ने कई समीक्षकों से प्रशंसा मिली थी जिन्होंने उन्होंने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिम्मा पुरस्कार जीता था। 2017 में रश्मिका मंदाना ने दो कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी थी। फिल्म चमक में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ के फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम फिल्म में दिखाई दी थी, जो कि बेतहा सफल रही थी। 2020 में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने तेलुगु फिल्म सारे लरू नेकी वरु के साथ महेश बाबू के साथ अभिनय किया था, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। उसी वर्ष वह एक फिल्म भीषम में भी दिखाई दिए, जो कि 2021 में वो फिल्म रिलीज हुई थी और उसके बाद फिल्म पोगुरु के साथ थी और बाद में सुल्तान
में कार्तिक के साथ पुष्पा द राइज, अल्लू अर्जुन के साथ अभिनीति 2022 में रश्मिका मंदाना ने अदा वलू में की जहरुलू में अभिनय किया था। दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म की रिलीज 15 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था, जो कि इस फिल्म का रिलीज तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ था और इस फिल्म का रनर टाइम 142 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म गीता गोविंदम मूवी 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई और यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है, जिसने ₹5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म 132 करोड़ के कमाई के साथ किया है। और हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह फिल्म परखी गई है और परखी हुई कहानी। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए दोस्तों लेकर हाजिर हुए हैं आज की इस वीडियो में गीता गोविंदम मूवी के आज हम बारे में हिंदी में रिव्यू करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे कहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंचे। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म गीता गोविंदम एक 2018 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म GA2 पिक्चर्स 2 के तहत बनी और इस फिल्म का निर्मित है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जबकि सुब्बा राजू और राहुल रामकृष्णा और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते हैं। 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और जिसने बात करें दोस्तों इस फिल्म की बजट बनाने में 5 करोड़ की मात्रा बजट पर बनी थी। 5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म गीता गोविंदम मूवी ने अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई यानी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 132 करोड़ के साथ अपनी कमाई की थी। हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह एक पखरी गई है और परखी हुई कहानी, लेकिन फिल्म को इसके निर्देशक प्रदर्शन और उत्पादन मूल्य की प्रशंसा मिली थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को आपको नजर आएगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बताई थी कि फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आई है। फिल्म की संगीत के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में संगीत दिया है गोपी सुंदर ने और इस फिल्म का उत्पादक कंपनी GA2 पिक्चर्स द्वारा इसे बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर परशुराम ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने विजय देवरकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता फिल्म और जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं, वो एक फिल्मफेयर पुरस्कार, एक नदी पुरस्कार और एक सिम्मा पुरस्कार के प्राप्त करता है। 2018 से उन्होंने अपनी आय और लोकप्रियता के कारण फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी सही की सूची में जगह बनाई है। देवरकोंडा ने नुविल्ला 2011 के साथ अपनी शुरुआत की और येवडे सुब्रमण्यम 2015 उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पोली चोपुल्लू 2016 में, अर्जुन रेड्डी 2017 में और उनके साथ खुद को एक प्रमुख और फिल्म अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। महांती 2018, गीता गोविंदम 2018 और टैक्सी वाला 2018 में अभिनय करके और सफलता प्राप्त की थी।
देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और देवरकोंडा ने किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोडक्शन कदम रखा, जिसने विशेष रूप से मिकू मत्थर रामचप्था 2019 और पुष्पा विमानम 2021 का समर्थन किया था। अपने फिल्मी करियर से परे देवरकोंडा ने कई उत्पादनों का समर्थन किया और अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी और वेयर डिजाइन किया था। बात कर ले दोस्तों, यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा ने रवि बाबू द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नुविल्ला 2011 में अपनी शुरुआत की थी। और दोस्तों, बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों जैसे तमिल भाषा की फिल्मों में भी काम करती है। इनकी सुपरस्टार अभिनेत्री 2016 में रश्मिका मंदाना ने क्रिक पार्टी में अभिनय की शुरुआत की थी, जो कि कन्नड़ में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी। और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने कई समीक्षकों से प्रशंसा मिली थी, उन्होंने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिम्मा पुरस्कार जीता था। 2017 में रश्मिका मंदाना ने दो कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी थी। फिल्म चमक में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ के फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम फिल्म में दिखाई दी थी, जो कि बेतहा सफल रही थी। 2020 में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने तेलुगु फिल्म सहरी लरु नेकी वरु के साथ महेश बाबू के साथ अभिनय किया था, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। उसी वर्ष वह एक फिल्म भीषम में भी दिखाई दिए, जो कि 2021 में वो फिल्म रिलीज हुई थी। और उसके बाद फिल्म पोगुरु के साथ थी और बाद में सुल्तान में कार्तिक के साथ, पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन के साथ अभिनीति 2022 में रश्मिका मंदाना ने अदा वलु मेकी जहरुलु में अभिनय किया था। दोस्तों, बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म की रिलीज 15 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था, जो कि इस फिल्म का रिलीज तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ था। और इस फिल्म का रनर टाइम 142 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म गीता गोविंदम मूवी 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई और यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है, जिसने ₹5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म 132 करोड़ के कमाई के साथ किया है। और हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह फिल्म परखी गई है और परखी हुई कहानी है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए दोस्तों लेकर हाजिर हुए हैं आज की इस वीडियो में गीता गोविंदम मूवी के आज हम बारे में हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे कहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाएंगे कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंचे। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म गीता गोविंदम एक 2018 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म GA2 पिक्चर्स 2 के तहत बनी और
इस फिल्म का निर्मित है फिल्म में विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, जबकि सुब्बा राजू और राहुल रामकृष्णा और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते हैं। 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और जिसने बात करें दोस्तों इस फिल्म की बजट बनाने में 5 करोड़ की मात्रा बजट पर बनी थी। 5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म गीता गोविंदा मूवी ने अपने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई, यानी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 132 करोड़ के साथ अपनी कमाई की थी। हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह एक पकड़ी गई है और परखी हुई कहानी, लेकिन फिल्म को इसके निर्देशक प्रदर्शन और उत्पादन मूल्य की प्रशंसा मिली थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को आपको नजर आएगी। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बात बतलाई थी कि फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आई है। फिल्म की संगीत के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में संगीत दिया है गोपी सुंदर ने और इस फिल्म का उत्पादक कंपनी GA2 पिक्चर्स द्वारा इसे बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर परशुराम ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने विजय देवरकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता फिल्म और जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं, वह एक फिल्मफेयर पुरस्कार, एक नकदी पुरस्कार और एक सिम्मा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। 2018 से उन्होंने अपनी आय और लोकप्रियता के कारण फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में जगह बनाई है। देवरकोंडा ने नुविल्ला 2011 के साथ अपनी शुरुआत की और येवडे सुब्रमण्यम 2015 उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। उन्होंने ब्लॉकबस्टर पोली चोप्पुल्लू 2016 में, अर्जुन रेड्डी 2017 में और उनके साथ खुद को एक प्रमुख और फिल्म अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। महांति 2018, गीता गोविंदन 2018 और टैक्सी वाला 2018 में अभिनय करके और सफलता प्राप्त की थी। देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और देवरकोंडा ने किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोडक्शन कदम रखा, जिसने विशेष रूप से मिकू मत्थर रामचप्था 2019 और पुष्पा विमानम 2021 का समर्थन किया था। अपने फिल्मी करियर से परे देवरकोंडा ने कई उत्पादनों का समर्थन किया और अपना खुद का फैशन ब्रांड राउडी और वेयर डिजाइन किया था। बात कर ले दोस्तों यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा ने रवि बाबू द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नुविल्ला 2011 में अपनी शुरुआत की थी। और दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों जैसे तमिल भाषा की फिल्मों में भी काम करती है। इनकी सुपरस्टार अभिनेत्री 2016 में रश्मिका मंदाना ने क्रिक पार्टी में अभिनय की शुरुआत की थी, जो कि कन्नड़ में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी। और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने कई समीक्षकों से प्रशंसा मिली थी जिन्होंने उन्होंने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिम्मा पुरस्कार जीता था। 2017 में रश्मिका मंदाना ने 2 कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी थी। फिल्म चमक में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ के फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम फिल्म में दिखाई दी थी, जो कि बेतहा सफल रही थी। 2020 में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने तेलुगु फिल्म सारे लरू नेकी वरू के साथ महेश बाबू के साथ अभिनय किया था, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी।
उसी बस वह एक फिल्म भीषण में भी दिखाई दिया जो कि 2021 में वो फिल्म रिलीज हुई थी। और उसके बाद फिल्म पोगुरु के साथ थी और बाद में सुल्तान में कार्तिक के साथ पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन के साथ अभिनीति 2022 में रश्मिका मंदाना ने अदा वलू मेकी जहरुलू में अभिनय किया था। दोस्तों बात कर ले फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना देखने को नजर आएगी। फिल्म की रिलीज 15 अगस्त 2018 को रिलीज किया गया था जो कि इस फिल्म का रिलीज तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ था और इस फिल्म का रन टाइम 142 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म गीता गोविंदम मूवी 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई और यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है जिसने ₹5 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म 132 करोड़ के कमाई के साथ हालांकि 132 करोड़ के कमाई के साथ किया है और हालांकि आलोचकों ने महसूस किया कि यह फिल्म परखी गई है और परखी